नमस्कार दोस्तों, एग्रोबोल्ट एसडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की क्लास में आज हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग जो है पूरी क्लास देखिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर आप तक जो है वीडियो पहुँचती रहें और आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पादन प्रक्रिया में खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी कहलाती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल्यह्रास आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सफेद चाय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूसेन बेरी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफेद चाय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ड्यूसेन बेरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, किस संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व और प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल जो है कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 या अधिक हेक्टेयर भूमि को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 10 या इससे अधिक हेक्टेयर वाली भूमि को जो है किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, लार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार्म इन्वेंट्री। कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है फार्म इन्वेंट्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और बी दोनों आपका जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, उत्पादन के कारकों की मांग है। तो उत्पादन के कारकों की मांग है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्युत्पन्न मांग उत्पादन के कारकों की मांग है, व्युत्पन्न मांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक कारक है जो कि खेती के प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजी की उपलब्धता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, सीमांत लागत बराबर है। तो सीमांत लागत बराबर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल लागत में परिवर्तन अपान उत्पादन में परिवर्तन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक निर्णय है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों आपके जो है राइट आंसर हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक निर्णय है, तो कृषि व्यवसाय का वित्त पोषण लेखांक
लेखांकन और बही खाता, ऑप्शन नंबर सी सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों का समायोजन। तो तीनों आपके जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आमतौर पर एक मांग वक्र का आकार होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीचे की ओर झुका हुआ। आमतौर पर एक मांग का वक्र जो है उसका आकार नीचे की ओर झुका हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, प्रति क्विंटल परिकल्पित लागत के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादन की लागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच संबंध है। तो लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच कैसा संबंध है, इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कुल उत्पादन उच्चतम होगा तो सीमांत उत्पादन कितना होगा। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शून्य। जब कुल उत्पादन उच्चतम होगा तो सीमांत उत्पादन जो है शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, जब कुल लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों से विभाजित किया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत लागत। जब कुल लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों से विभाजित किया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं औसत लागत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वस्तु की कीमत और मात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, निम्नलिखित में से कौन बीमा योग्य नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चितता। निम्नलिखित में से कौन बीमा योग्य नहीं है, तो अनिश्चितता आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि प्रबंधन से संबंधित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी यानी कि विवेकपूर्ण निर्णय, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग, लाभ को अधिकतम करना और परिवार की संतुष्टि, तीनों जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि यह अन्य भौतिक विज्ञानों के तथ्यों से संबंधित है और उन तथ्यों और निष्कर्षों के प्रयोज्यता का परीक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, फार्म योजना में शामिल है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि बजट पहले से तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, कृषि नियोजन का अर्थ है। तो कृषि नियोजन का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि बजट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम मजदूर से अविभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो श्रम मजदूर से अविभाज्य है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, बीज उर्वरक आदि की खरीद के लिए वितरित ऋण को कहा जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है, अल्पाधिकार एक बाजार की स्थिति है जिसके अस्तित्व की विशेषता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ फर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितने भूखंड पर खेती की जा सकती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, उत्पादन की कुल लागत का कितना प्रतिशत श्रम निवेश में जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 से 30%। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूनतम। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।